Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Anila and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Today we are going to start our lesson from page 68 of Unit 2 of Gohar Mathematics for Class 2. The title of page 68 is Subtraction from 3-digit numbers with borrowing. Subtracting a 1-digit number from a 3-digit number. The digits are 241 minus 8. 8 ones cannot be subtracted from 1 1. We will borrow 1 10 from 4 tens. Now we have 11 ones and 3 tens. 11 ones minus 8 tens is equal to 3 ones. The 3 tens do not change. Similarly, the 2 hundreds do not change. So your answer is going to be 233. Look at these pictures. इसमें भी आपको क्लियर हो रहा है कि hundreds, tens आपने कैसे बोरो किए और किस तरह से उसको आपने सब्ट्रैक्शन में आपके लिए वो हेल्पफुल रहा. Now subtract these. The first one is 436 minus 7. Ones में 6 minus 7 नहीं हो सकता, so you are going to borrow 110 from the tens. तो वहाँ पे 3 को आप क्रॉस करके 2 लिख देंगे और वहाँ से 1 आप जो लेके आएंगे you are going to write it with your 6. तो आपके पास टोटल हो गए 16. Now 16 minus 7 is 9 और बाकी tens और hundreds आपके अब वैसे ही लिखे जाएंगे. Tens is going to be 2 and hundreds is 4. So the answer is going to be 429. Very good. Do the rest and check your answers from the screen. Move to the page 69. Subtracting 2-digit number from 3-digit number. The numbers are 282 minus 54. We cannot subtract 4 ones from 2. We borrow 110 from 8 tens. Now we have 12 ones and 7 tens. 12 ones minus 4 ones is equal to 8 ones. Similarly, 7 tens minus 5 tens is equal to 2 tens. Then 2 hundreds do not change. वो अब आप वैसे ही लिख देंगे. ये ब्लॉक्स की पिक्चर देखें आप, इससे भी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. नाउ योर आंसर इज गोइंग टू बी 228. नाउ सब्ट्रैक्ट दीज. द फर्स्ट वन इज 640 माइनस 45. अब आप जीरो में से 5 तो माइनस नहीं कर सकते, सो यू आर गोइंग टू बोरो 110. उसको आप वंस के कॉलम में लिखेंगे. नाउ यू हैव 110 और 10 में से आप 5 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? यस, वेरी गुड, इट इज 5. नाउ 14 आपका क्रॉस हो गया. इट इज नो मोर 4, इट इज गोइंग टू बी 3. वेरी गुड. 3 माइनस 4 तो नहीं कर सकते आप, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यस, एक्सीलेंट, यू आर गोइंग टू कैरी 100 फ्रॉम हंड्रेड्स कॉलम. इट इज गोइंग टू बी नाउ 13. 13 माइनस 4 इज 9 और हंड्रेड्स के कॉलम में क्या रह गया? वेरी गुड, 5. योर आंसर इज गोइंग टू बी 595. एक्सीलेंट. नाउ डू द रेस्ट एंड चेक योर आंसर्स फ्रॉम द स्क्रीन. नाउ मूव टू द पेज 70. सब्ट्रैक्शन ऑफ 3-डिजिट नंबर्स दैट हैव जीरोस. 200 माइनस 18. 200 में से 18 को माइनस करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट रीग्रुप द हंड्रेड्स एंड टेंस. अब हंड्रेड्स को जब हम टेंस में रीग्रुप करेंगे तो हम एक ब्लॉक हंड्रेड्स के को जब रीग्रुप कर रहे हैं टेंस में, देयर आर गोइंग टू बी 10 टेंस. नाउ रीग्रुप द टेंस एंड वंस. आपने टेंस को रीग्रुप करना है वंस में. मूव टू द पेज 71. उसमें आप देखेंगे कि अब हमने एक 10 का ब्लॉक लेके उसको हमने वंस में रीग्रुप कर लिया है. अब आप अगर कॉलम फॉर्म में लिखें 200 माइनस 18, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट वंस. अब वंस में से 10 में से आप माइनस कर दें 8. क्रॉस कर दिए हमने 8. हाउ मेनी आर लेफ्ट? वेरी गुड, 2. सो वंस के कॉलम में आपका आंसर आ गया 2. मूव टू द नेक्स्ट टेंस कॉलम. अब आपके टेंस के कॉलम में हाउ मेनी आर लेफ्ट? यस, 9. और 9 में से कितने आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं? वेरी गुड, 1. 1 को क्रॉस कर दें एंड हाउ मेनी आर लेफ्ट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. सो यू आर गोइंग टू राइट 8. एंड देन हंड्रेड्स में से
हाउ मेनी आर लेफ्ट, हमारे पास कितने रह गए? 200 में से देयर इज ओनली वन लेफ्ट फॉर अस, और हम उसको वैसे ही लिख देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 182. वेरी गुड. मूव टू द पेज 72. नाउ सब्ट्रैक्ट दीज. अब इन सब क्वेश्चंस को इसी पैटर्न पे करें एंड आफ्टर डूइंग दैट चेक योर आंसर्स फ्रॉम द स्क्रीन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. अल्लाह हाफिज़.